किसी के नाम में कैंडिडेट खड़ा कर दिया, गाड़ियों की परमिशन ले ली, दूसरा कोई यूज कर रहा है, किस्म किस्म की भांति एंटाइटलमेंट ले लिया, भांति भांति का वो देवर क्लटरिंग दी पॉलिटिकल स्पेस, क्राउडिंग आउट दी जेन्युइन पर्संस। सो दैट इज व्हाट इट हैज बीन डन। सारी फाइनेंशियल जितने भी अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और जितनी भी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं वो सब डिजिटाइज्ड फॉर्म में हमारे पास आएंगी, ऐसा हमने उनको कहा, डायरेक्शंस दे दिए, इट इज स्टार्टेड कमिंग। तो जो भी पॉलिटिकल फाइनेंस की चर्चा देश में चल रही है उसके साथ साथ ये भी कार्य पीछे से बैकग्राउंड में चल रहा है, बिकॉज कमीशन ऑलवेज बिलीव्स इन द ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फाइनेंसिंग। प्लम्पटिंग लेवल आई हैव ऑलरेडी सेड, वी हैव ऑल्सो आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टीज टू बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल टू द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन द डिस्कोर्स, नॉट टू यूज द अब्यूसिव वर्ड्स, ऑल्सो टू नॉट यूज चिल्ड्रन एट ऑल ड्यूरिंग द कैंपेनिंग। बच्चे नहीं है इसलिए कि उन्हें कैंपेनिंग में लाया जाए, will be very strict if anybody does that. We are also giving advisories to political parties that have internal organizational structures within your party, within the parameters and in a right form. Friends, we are appointing 2100 observers. Jitni cheeze maine aapko batayi ye sab cheez ko field officers to karenge hi karenge, हम 2100 ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट कर रहे हैं और इस बार उनको हमने क्या खास सख्त हिदायत दी है, और जो भी डीओज लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली इसको देखेंगे। इंड्यूसमेंट एंड कोअर्शन, इंटीमिडेशन फ्री इलेक्शन हो, इस पर स्पेसिफिकली नजर रखेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे। फोर्स जितनी भी जा रही है किसी भी राज्य में उसका डिप्लॉयमेंट रेंडमाइज्ड हो, ऐसा नहीं कि उस फोर्स को कहीं बैठा दिया काम नहीं कर रही या कहीं दूसरी जगह भेज दिया जहां जरूरत नहीं है। दे विल बी रेंडमाइजिंग द फोर्स, एंटायर इलेक्शन मशीनरी विल बी रेंडमाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द पॉलिटिकल इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर्स। नाउ हैविंग डन ऑल दिस, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था, तो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, हमारे इलेक्शंस कैसे होंगे? So let me show you this, what is our effort, what is our endeavor. As a last slide, let me tell you, there are reduced repolls, that is what we are endeavoring, zero violence, that's what we are endeavoring, no inducements, jis pe kaare ho, fake news curb ki jaye, campaigning clutter aur badmijazi kam ho aur logo ka participation badhe, jo 67% participation tha wo badhke अधिक से अधिक पहुंचे। विद दिस आई वुड लाइक टू इन द एंड अपील टू द वोटर्स दैट इलेक्शंस बिलोंग टू यू। बहुत मेहनत की है हमने 2 साल में, आगे भी करेंगे, लेकिन दामोदर अब आपके हाथ में है। वी आर हैंडिंग ओवर द बैटन टू यू, प्लीज कम एंड वोट। पॉलिटिकल अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं, वो आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है, इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें। उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो वील बी रूथलेस इन डीलिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती, अगर एक दो करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे, वील बी रूथलेस। एंड लास्टली माई अपील टू द पॉलिटिकल पार्टीज अगेन, we are very committed for ethical political discourse. I would like parties to again appeal that please maintain decorum in campaigning and refrain from abuses and personal attacks. rajneetik dalon ko bahut personal attacks se bachna chahiye. fir mujhe badar sahab ka ek sher yaad aata hai, dushmani jamkar karo lekin ye gunjayish rahe, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है, तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके। विद दिस
I would once again thank all the press media who have come here. Very sincerely, this is what I have seen in now 3.5 years. You are our natural allies, you are eyes and ears. हमारा कोई क्रिटिसिज्म होता है आप करते हैं, हम अपनी बात कहते हैं आप करते हैं, आप ही के थ्रू हम वोटर्स पे पहुंच सकते हैं. प्लीज वोटर्स तक हमारी बात पहुंचाइए, उनको बाहर निकलवाइए. ये सारी स्लाइड्स, सारा प्रेजेंटेशन आपको अभी तुरंत इसी माध्यम से हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा. डाउनलोड, यूज इट इन योर स्टोरीज. कुछ और चाहिए तो हमें बताइए, हम देंगे. नाउ आई कम टू द शेड्यूल विच यू आर वेटिंग. And I hope I didn't delay it. I have not bored you by what I said. So now we'll be announcing schedule in 3 phases. First, for the by-elections, there are 26 assembly constituencies in the country jahan by-poll hona abhi hai due. Bihar, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Maharashtra, Tripura, Uttar Pradesh, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है. आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की, 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे. और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है. वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा. बट ऑल दी 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू द बाई पोल सो दैट ड्यूरिंग दिस इलेक्शन इटसेल्फ वी कैन कंप्लीट दिस एंटायर प्रोसेस. अगर आपने नोट कर लिया हो तो नाउ आई कम टू द असेंबली इलेक्शंस. साथियों, 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं. सिक्किम जो 2 जून को विद 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा जून 24 विद 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अरुणाचल प्रदेश ऑन 2 जून विद 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आंध्र प्रदेश ऑन 11 जून 2024 विद 175 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. दीज आर the simultaneous elections to the parliament. They'll be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. So now when I tell you the parliamentary elections, then I will tell you. But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of gazette notification would be 18th of April 2024, or date of poll would be 13th May 2024. तो आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13 मई 2024 को होगी. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी. 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल. सॉरी 19 अप्रैल को, 20 मार्च 19 अप्रैल. इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल. 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल. उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड इन फेजेस एंड फर्स्ट फेज वुड बी ऑन 18th अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल वुड बी 13th मई. फिफ्थ फेज में होगा सेकेंड फेज ऑफ द असेंबली ऑफ उड़ीसा 26th अप्रैल एंड 20th मई. देन सिक्स्थ फेज एंड सेवेंथ फेज ऑल्सो उड़ीसा वुड हैव द असेंबली इलेक्शंस. सिक्स्थ फेज बींग ऑन 29th अप्रैल एंड 25th मई इलेक्शंस. ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो. कमिंग टू द जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार, बिगेस्ट.
543 parliamentary constituencies, of which 84 are reserved for SCs and 47 are reserved for STs. तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग, छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज वन, वील डू इट इन 7 फेजेस एज वॉज डन लास्ट टाइम, 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. Isme phase 1 ka schedule ek din se hame do bar karna pad raha hai, fir Bihar ke liye wahan ek festival hai. To notification ki date same hai, lekin bas last date of withdrawal hame 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार हैं और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी. सो फेज वन दिस विल लुक लाइक दिस. ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा. तो इसमें जो फेज वन का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है. सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में. सेकेंड फेज विल नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन 28th ऑफ मार्च एंड डेट ऑफ पोल विल बी 26th ऑफ अप्रैल. सिमिलरली हियर इन केस ऑफ J&K बिकॉज ऑफ द सम हॉलीडे द डेट ऑफ वन डे वुड बी डिफरेंट, डेट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नॉमिनेशन वुड बी डिफरेंट, बट डेट ऑफ गजेट नोटिफिकेशन और डेट ऑफ पोल वुड बी कॉमन. फेज वन में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज टू में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे. सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज टू, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे. फेज थ्री वुड बी फ्रॉम 12th ऑफ अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th ऑफ मई. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा. इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा. राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे. फोर्थ फेज में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th ऑफ मई. डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी 4th ऑफ जून फॉर ऑल बाई इलेक्शंस, फॉर द असेंबली इलेक्शंस, फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा. इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाय दैट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कंप्लीट, एंटायर वेस्टर्न इंडिया वुड बी कंप्लीट, नॉर्थ ईस्ट वुड बी कंप्लीट. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी. 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी. काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th ऑफ जून. इट विल लुक लाइक दिस विच इज इन फ्रंट ऑफ यू. एंड फेज 5 में 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी गोइंग टू द पोल. फेज 6 में
57 constituencies will go to the poll starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. Iska map kuch is tarah ka dikhai dega ki mostly UP, Bihar, Bengal, Odisha aur saath mein kuch north ka portion chalu rahega. Last phase, 7th phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. The last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And this phase mein pura Punjab, Haryana bhi shamil rahega, Bengal, Bihar, Odisha. This is how the map will look. Yellow denotes the first phase and accordingly the legends are given. We will share this map also with you. ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें. ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है जिसमें फेज वन में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज टू में 89, फेज थ्री में 94, फेज फोर में 96, 49, 57, 57. सो विल स्टार्ट विद 102 द लार्जेस्ट, स्लोली कम डाउन and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें weather और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये schedule बनाया गया है. With this, जो single phase, single poll date है वो 22 state में होगी. दो राज्य चार बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर. तीन phase में दो जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम. चार फेज में तीन जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड. फाइव फेज में दो जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक फेज होगी. और सात फेज में तीन जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. विद दिस फ्रेंड्स, आई एंड माई एड्रेस एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर फॉर दोज डिटेल्ड रिमार्क्स. Please, please hold on, hold on, hold on. So the you raise your hands, हाथ खड़ा कर दीजिए, माइकर्स आपके पास आएंगे. तो वी विल स्टार्ट विद यू इन द फर्स्ट रो. वेयर द माइकर्स, अब आइए, इनको दे दीजिए. जो या सीसी सर विल टेक 4-5 क्वेश्चंस एट वन टाइम, सो आफ्टर दैट विल टेक द नेक्स्ट पर्सन. सर, मैं मोहित दुबे हूँ, न्यूज नेशन से. सर, मेरा सवाल ये है कि आपने सात चरणों में मतदान ये करवाया है, बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है. अपोजिशन पार्टियां जो है ये आरोप लगा रही है कि सात चरणों में क्या जरूरत है और इसकी वजह से सत्ताधारी दल को फायदा होता है. और छोटा सा सवाल सर एक और है कि ईवीएम को लेकर लगातार अपोजिशन धरना दे रहा है, सवाल उठा रहा है. आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ आपने आप मतदान करवाते रहते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो उनके सवाल के बारे में आप क्या जवाब देंगे? आप ये जो लाइट जैकेट पहने हैं सेंटर में, इनको दे दीजिए. जो हाँ, यह जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन. सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह शुरान है. आई वुड लाइक टू आस्क कि जो आपने बताया कि 3500 करोड़ रुपए को सीज किया, उसके बाद कार्रवाई, कितने लोग जेल गए, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, और जो लीकर सीज किया गया उसमें कितने केसेस रजिस्टर हुए, उसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कभी शेयर करता नहीं है आफ्टर द इलेक्शन हैपेंस. दिस लेडी इन द फ्रंट या इधर मिडिल में जो है, इनको माइकर्स, हाँ इनको दे दीजिए, या इनको दे दीजिए. हाँ, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Great. Samir Hussein from BBC News. This is an incredible feat to try and get every person who's eligible to vote. I'm wondering how much money is being spent, and in addition, what is the biggest concern in terms of these elections? Okay. The lady in the fourth row over there with that black dress, unko de dijiye. Micers. Middle mein. Haan, unko, jo beech mein hai. Wo lady jo hai. Haan. Give it to her. Yes. Switch on your mic. Thank
Hi, I'm Ashlyn. You said in your speech that... Can you just introduce yourself? I'm Ashlyn Matthew. From? National Herald. Thank you. You had said in your speech that there should be no hate speech. There should there will be a calibrated approach to MCA code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the EC has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, Hello. So won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? Yeah, the gentleman in the second row here. Yeah, please. Yeah, mic is live. Hello, hello. Sir, Venkatraman from Dinamala, from Tamil Nadu. Sir, every election you are getting new experience regarding the control of money power. How are you going to control the money power? For example, last election 2019, at Vellur constituency, the candidate Kadir Anand from his place, crores and crores of rupees money has been recovered from it. But what kind of action has been taken against him? And he's going to be the future candidate from the same constituency. Let me first take the answers of these questions of the first round. First question ye tha ki, seven phase mein election kyun? और अपोजिशन पार्टीज का ये आरोप है कि सेवन फेज में होने से लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, किसी को फायदा होता है। एक बार कभी पूरी कंट्री का भौगोलिक और ज्योग्राफिक इतिहास और ज्योग्राफिक स्थिति को नजर डाल के देखिए, नदी नाले बर्फ पहाड़ जंगल गर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कभी सोच के देखिए, they will be moving like within 3 to 4 days between the gap in the phases, they will move, they will walk length and breadth of the country. Unke upar pressure kabhi dekhiye kitna hota hoga. Kabhi election machinery ki puri ki puri process, kabhi exams, kabhi festivals, Holi, Ramjan, Ram Navami, pata nahi kya kya festivals beech mein hai. Jab calendar pe hum leke baithte hain to ek date fix karte hain, dusre mein chali jati hai, dusre fix karte hain, kahin problem aa jati hai. हम किसी को फेवर करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते, कोई भी एक्शन नहीं लेते। किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है, हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। जहां की जो मैंने कहा था, हर राज्य अपने आप में अलग अलग है, किसी राज्य में एक में भी है, किसी राज्य में सात में भी है। जिन राज्यों में सात में है वहां का विस्तार बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी है, कंटेस्टेशन ज्यादा है, इसलिए वो साथ में है। माई फ्रेंड फ्रॉम दी तमिलनाडु इज आस्ट, वहां एक में है लेकिन वहां दूसरा चैलेंज है जिसके लिए वॉट ही हैज टॉक्ड अबाउट, देर इज ए चैलेंज ऑफ मनी पावर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड एज ए मैंशन वी आर एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट ही हैज आस्ट। इफ यू लर्न इट फ्रॉम दी असेंबली इलेक्शन विच हैपेंड इन अनदर सदर्न स्टेट रिसेंटली, we have been able to cure that menace of money power to a very large extent and we would control this. Please don't be worried. Similarly, I'll on the expenditure side take this question from BBC that how much we spend. Each candidate is allowed to spend in the parliamentary constituencies up to 80 lakhs, up to limit, and in the assembly up to 90 lakhs, and in the assembly up to 38. So if you combine amongst the candidate, that's the upper limit which is the expenditure. You have asked about, somebody asked about EBMs. EBMs ke bare mein main bahut baar bata chuka hu, lekin theek hai, aapne fir question pucha hai to, aur desh mein ek aisa abhiyan bhi chal raha hai jisko batana bhi zaruri hai, isliye main thoda vistar mein bata hi deta hu. वैसे बहुत बार बता चुका हूं, 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। चुनौतियां किस प्रकार की हुई, ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग हैं, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है,
रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनुपुलेट हो सकता है। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। क्या कहा है? कभी कहा कि इसमें वायरस लगी नहीं सकता, नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस। कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते, कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल, कभी कहा कि व्हेन देयर इज सेक्शन 61A इन द आरपी एक्ट विच एम्पावर्स द यूज ऑफ द ईवीएम, जब तक वो खत्म ना हो तब तक ये प्रश्न उठाना गलत है। कभी कहा कि ईवीएम्स आर फूल प्रूफ डिवाइसेस फॉर काउंटिंग एंड एलिगेशंस ऑफ टेम्परिंग आर बेसलेस। कभी कहा कि आप एक के बदले पांच वीवीपैट गिनिए, वो हमने शुरू कर दिया। अब तो ये आ गया है नतीजा कि कोर्ट्स ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिस्चीवियस कहते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया, फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया, अभी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पिटीशन खत्म किए। कितनी बार सुनेंगे? क्यों बार बार वही बिलाप करना है? कोई चीज है तो हमसे पूछिए। हैक नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती। एंड जो परिणाम आते हैं वही प्रमाण है, बार बार परिणाम आते हैं। कोई भी ईवीएम लेके बैठ जाता है सोशल मीडिया पे, वो डिब्बा लेके एक बैठ जाता है, और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट भी बन जाता है। आजकल एक दो एक्सपर्ट भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कहाँ की डिग्री है, कहाँ के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा देखना भी चाहिए। वो बताते हैं कि ये डिब्बा है, वो टूल बॉक्स जैसा डिब्बा होता है, उसके अंदर में क्या है पता नहीं है, उसमें से गत्ते के डिब्बे में से एक स्लिप भी निकलती है। वो धरना भी हो जाता है कि स्लिप बदल गई, मैंने यहां बटन दबाया था और यहां ही गलत निकल गया। भाई आपने क्या दबाया था, किसी को बताया था क्या? क्या निकला किसी को बताया था क्या? अरे संविधान कोर्ट्स कह रही हैं। अच्छा, जितनी बार हमसे आप पूछेंगे उतनी बार हम उसका एक क्वेश्चन लेके आपको आपको एफएक्यूज में डाल देंगे, 100+ क्वेश्चन है। और भाई पॉलिटिकल पार्टीज have come into existence because of the EVMs. There are many smaller political parties which in the age of the ballot papers might have not come into the existence. It was the fairness and the political parties know in the heart of their hearts. Sab EVMs ka teen teen bar mock poll hota hai, candidates ke samne mein hota hai, phir bhi agar kuch aap kitab laaye hain, kisi ke paas hai kya? Ek humne kitab bhi manai hai, ek जितने लीगल केसेस 40 केस, देखिए दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम, इसमें एफएक्यू भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे। इसमें एफएक्यू भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं, देखिए हमारी वेबसाइट पे है ये, थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए, खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं, वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहां, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था, ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो, और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? EVMs are 100% safe, 100% sure. We know now, in last 2 years, again, we have done large number of improvements. एक एक EVM की number, जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now, जो MCC के बारे में प्रश्न पूछा, जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होके किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते, यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रहे हैं, पूछना नहीं चाह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले
आठ दस ग्यारह इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए, सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं, उसमें जहां जहां कोई भी वॉयलेशन एस्टेब्लिश होता हो उस नोटिस के बाद जवाब आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है। वी आर वेरी एज आई सेड दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड, और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा हाउस एवर हाई स्टार कैंपेनर ही और शी मे बी वी विल नॉट सिट बैक, वी विल टेक एक्शन। नेक्स्ट सर, वी विल टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम दैट साइड, या द मिडिल रो, दैट जेंटलमैन होल्डिंग बोथ हिज हैंड्स अप, उनको दे दीजिए। बोलिए थोड़ा जल्दी दें। यस सर, माइक के लोग थोड़ा जल्दी दें, थोड़ा माइक जरा जल्दी दीजिए, वो सेंट्रल रो में है वो हाथ जी रहे हो। जी मैं आशीष हूँ अमर उजाला डिजिटल से। मेरा सवाल है सर, जो आपने अभी 4M की बात की थी उसके लिए क्या कोई एडिशनल डिप्लॉयमेंट आपने किया है? अगर किया है तो वो क्या है सर? मैं राजस्थान पत्रिका से नवनीत मिश्रा हूँ। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सिस्टम को खत्म कर दिया है, और जो चुनावी चंदे की जो पारदर्शिता की बातें होती है तो उसके लिए वो सिस्टम लाया गया था, तो आयोग का अगला कदम क्या होगा क्योंकि इसके बाद से कैश का जो कैश की चुनौती है वो बढ़ेगी चुनाव में। सुनील प्रभु फ्रॉम NDTV, जस्ट two three points, because you just now made a comment that every EVM has a number and your own commission had asked for a totalizer. That totalizer has not happened because if you wanted in the essence of free and fair election, then you should not be identified. The others you said disclose in the interest of the general public, and now we can't get from Mr. Arun Goyal because he hasn't only cited personal reasons. In the best interest of the commission, would you be able to disclose what exactly happened? Why did Mr. Arun Goyal, who worked with you and sadly is not here today in this entire process, if you can come clean about what exactly happened, what were the differences that led to his sudden and abrupt exit? That's Ravi Tripathi, DD News. Go there. Yeah. सर मैं रवि त्रिपाठी हूँ जी न्यूज से। मेरा सवाल यह है कि एक तो सीट के नंबर जो सर आपने दिए हैं वो 543 के बजाय 544 हो रहे हैं काउंट करने पर, ऐसा क्यों है ये एक तो जानकारी, और दूसरा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो सवाल खड़ा किया हमारे किसी दोस्त ने कि बार बार विपक्ष ये सवाल खड़ा करता है, तो पिछली बार उन्होंने नाम दिया कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें मोदी के खिलाफ आप सॉफ्ट होते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ आप ज्यादा एक्शन लेते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा आरोप क्यों लगता है चुनाव आयोग? सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। सर पहले तो चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग पूरी कंप्लीट टीम हो गए हैं दोनों चुनाव आयुक्तों को, और इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग का वास्ता हो रहा है। हमारा सवाल यह है कि ये तो हमें अंदाजा था कि जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे इस बार, लेकिन ऐसा क्यों किया है? हालांकि आपके पास वक्त है, कोर्ट ने भी आपको वक्त दिया है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न कराए जाने की क्या वजह है? My name is T.N. Ashok. I used to be former editor of PTI. I also write a lot of political articles from New York. So I just wanted to know, I was just following the Federal Election Commission of the U.S., which publishes on its website the amount of money raised by presidential candidates. Like, say, it has just come out only yesterday, Biden has raised about $106 million, Trump has raised $88 million, Nikki Haley has raised about $48 million, and Vivek Ramaswamy has raised about $24 million. Is it possible for the Election Commission of India to publish such kind of details of not the candidates, but the parties, how much have they raised for the 2024 elections? Yeah, thank you. CC will take questions. Now, let me answer these questions first. Very critical, very important questions, what are in everybody's discussion during this time. And it is necessary that one clears the stand on that. So first of all, I must congratulate that you have calculated it's 544, not 543.
I never guessed that you will be, anybody would so quickly calculate this. कि ये 543 सीट है तो 544 टोटल में कैसे आ गई? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दो बार इलेक्शन होंगे, विच इज इन मणिपुर, तो वो दो बार काउंट हो रहा है, इसलिए 544 है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर्स. लेट मी कम टू मिस्टर प्रभु. यू आस्क्ड द क्वेश्चंस ऑन टोटलाइजर. आई एंटायरली एग्री विद यू दैट बूथ वाइज रिजल्ट मालूम होने से, किस बूथ पर किसने किसको कितना वोट दिया ये जानने से, इट्स नॉट ए बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन इन द कंट्री. आई वी फुल्ली एग्री विद दिस एंड देयरफॉर वी ब्रॉट टोटलाइजर. द टोटलाइजर वॉज एन इंस्ट्रूमेंट कि जैसे एक राउंड में 14 टेबल पर काउंटिंग हो रही है तो 14 मशीन्स को एक साथ जोड़ दीजिए और 14 का रिजल्ट एक साथ आएगा तो कम से कम इतना पता नहीं लगेगा. लेकिन महाशय, यहां तो एक ही मशीन के रिजल्ट पे भरोसा नहीं हो रहा. मैं 14 जोड़ दूंगा तो लोग बोलेंगे पता नहीं क्या कर दिया. लेट द पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर इटसेल्फ. द नीड इज टू इंट्रोड्यूस टोटलाइजर. वी आर रेडी टू इंट्रोड्यूस, द टेक्नोलॉजी इज रेडी, बट लेट वन हैज टू वर्क इन द एंटायर लैंडस्केप. लेट दैट बी मैच्योर्ड फर्दर. वी प्रिपेयर्ड द मशीन टू टेक बोट्स ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स रिमोट बोटिंग. द प्रोटोटाइप इज रेडी. मशीन कैन टेक 72 पोलिंग असेंबलीज टूगेदर. दैट्स ए स्टेप टूवर्ड्स रिमोट बोटिंग. वी आर ऑल्सो रेडी एट सम स्टेज फॉर रिमोट बोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ब्लॉक चेन्स एंड ऑल. बट लेट सच थिंग्स टेक टाइम टू असिमिलेट टू एडजस्ट. एक समय होता है हर आइडिया का. So perhaps the time for this idea has not come. It is a little premature. But yes, it can tackle that ill. About my friend you asked. Mr. Arun was a very, very distinguished member of our team. And I thoroughly enjoyed working with him all the time. But in every institution, somebody will have to be given the personal space. And I am sure the personal space should not be touched and one should not be insensitive to ask personal questions. If he had personal reasons, it's fine, you must respect it. In the commission, let me make it clear to everybody. As you said, disclose. We also have another principle, participate. Involve all political parties. So in the commission, we have a very sound tradition, not today, of large, and I must thank this to my worthy predecessors. Whatever we are today, it is because of them. And that's one tradition in the commission, that dissent within commission is encouraged. Within four walls of ECM, the election, the commission room, which we call, it's a round room. Because it's such a complicated exercise in the world, three minds are always better than one. We discuss, we sleep over issues, we take time, we assimilate. And hamesha ek usme kahavat hai na, fir mujhe yaad aa gaya waise hi, nindak nyare rakhiye. Aas paas rakhne chahiye jo log aapko challenge kar sake. So commission mein bahut tradition hai, wo hamesha hota raha hai aur hote rehna chahiye. So that's the answer which I wanted to give you. जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस क्यों नहीं हमने कराए, ये आपने एक प्रश्न पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीरज जी आपका. हम बहुत कॉन्शियस हैं इस बात से और बीच बीच में आरोप भी लगते रहते हैं. हम वहां गए थे तब भी हमसे लोगों ने कहा कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा आपसे आपको कहलवाने के लिए कि इलेक्शन कराइए और आप क्यों नहीं कर रहे हैं. तो पहली बात, आपने इतने समय से क्यों नहीं किया. तो पहली बात, मैं सबके सामने ये इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 2019. ये सबको विदित है कि 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ. उसमें
जम्मू कश्मीर की असेंबली में 107 सीटों का प्रावधान किया गया। उस 107 में से 24 सीटें रिजर्व्स थी पाक ऑक्यूपाइड जेएमके की, बची 83 में से 7 रिजर्व थी एससी के लिए और एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था, राइट। 2022 में उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आया और उसकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करके नोटिफाई किया गया, उसने इन सीटों की संख्या में परिवर्तन कर दिया। तो अनदर एक्ट चेंज दिस नंबर ऑफ सीट्स, क्या हो गया, 107 से बढ़ के 114 हो गई, 24 उसमें पाक ऑक्यूपाइड जेके की रही, 90 बची, तो 83 से बढ़ के 90 हो गई और 9 सीट एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई। ये नया फीचर क्रिएट हो गया और साथ साथ 2 सीट माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई जिसमें से एक वुमेन की थी, और उसके बाद एक सीट का नॉमिनेशन अलाउ किया गया जो कि पीओके से डिस्प्लेस्ड लोग जो इंडिया में हैं उनके लिए वो रिजर्व की जाएगी। और ये सारे इसका मतलब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड डिलिमिटेशन एक्ट वर नॉट इन सिंक एंड देयरफॉर देयर वाज नो ओकेजन फॉर द कमीशन टू कंडक्ट द इलेक्शन टिल दैट हैपेंस। व्हेन डिड दैट हैपन? दैट हैपेंड इन दिसंबर 2023 बाय अमेंडमेंट इन द जेएनके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो हमारा मीटर कब से चालू हुआ है? दिसंबर 2023 से मीटर चालू हुआ है चुनाव कराने का, असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए। हम जेएनके के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा ऑल कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करेंगे, वी रेस्पेक्ट दैट और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है हम उसे कराएं। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते। हमने पूछा क्यों, तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 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 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे, सो 90 × 12 करीब करीब 1000 कैंडिडेट हो गए। और जेएनके में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब करीब 1000 के बीच में 450 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजंस में प्रोवाइड नहीं था, बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद